दुईदिनिया पश्चिमबंग गस्तरे केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह 2021 विधानसभा निर्वाचन परे एहाउची शाहंकर प्रथम बेंगल गस्त। गुरुवार प्रथम दिन में उत्तर 24 प्रगणा जिलार सुंदरबन अंचल गृहमंत्री पहुंचे हिंगलगंज में बीएसएफ तीनि फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट बा बीओपी सह एक बोट आंबुलांस उद्घाटन करते। यहाद्वारा सुंदरबन निकटने भारत और बांग्लादेश जल सीमार सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा सहित से ही अंचल बास कर लोक बोट आंबुलांस सुविधा जगै दि जापर अन्य कार्यक्रम मध्य सेठार मैत्री नाम एक म्यूजियम शिलान्यास करने सहित सीमा प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करते केन्द्रमंत्री शाह आहरी सुंदरबन अंचल पाट्रोलिंग करने सुरक्षा निश्चित रखा बेस आह्वानपूर्ण। मोदी सरकार बीएसएफ समस्त व्यवस्था जारी रखिंट। मुख्यमंत्री ममता बानर्जी परोक्षर टार्गेट करी शाह कहते चोरा चालाण तथा अनुप्रवेश रोकवाई बीएसएफ तार कार्य जारी रखी स्थानीय प्रशासन साहाज्य बिना यह कष्टसाध्य किंतु आशा करा जाउछि खूब शीघ्र राज्य सरकार मध्य समस्त सहयोग जगै देबे। बीएसएफ या तो किसी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स की कार्यक्रम में जाता हूं और जवानों को मिलता हूं तो हमेशा के लिए एक नई ऊर्जा और चेतना प्राप्त कर वापस दिल्ली जाता हूं, क्योंकि आप लोगों का जज्बा जो कठिन से कठिन परिस्थिति में, चाहे राजस्थान और कच्छ का रेगिस्तान हो, कच्छ की क्रीक हो, या आज मैंने देखा सुंदरवन जहां तीन नदियों का डेल्टा एरिया है, वहां मगरमच्छों के बीच घुसपैठ और तस्करी रोकने के लिए 24 घंटे की आपकी निगरानी है। ये जो जज्बा और ये आपका जुनून है वो पूरे देश को सुरक्षित रखता है। पूरा देश आज मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इसका महत्वपूर्ण कारण हमारी सीमाएं सुरक्षित है। और मैं गर्व के साथ जहां जहां देश में जाता हूं वह कहता हूं कि देश के गृहमंत्री के नाते मैं चैन की नींद इसलिए सो पाता हूं कि बीएसएफ का मेरा जवान बॉर्डर पर खड़ा हुआ 24 घंटे। मित्रों, आप सभी अभिनंदन के भी अधिकारी है और देश की जनता के ओर से मैं आपका बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं आप लोगों को, क्योंकि 7 अर्ध में जो इतनी बड़ी फेंसिंग लगाई है, चाहे बंगाल की सीमा हो, चाहे पाकिस्तान की, चाहे गुजरात की, ये फेंसिंग कभी भी देश की सुरक्षा नहीं कर सकती है। देश की सुरक्षा मेरा बीएसएफ का जवान ही कर सकता है। और इसी वीरता और समर्पण के कारण बीएसएफ को आज तक एक महावीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 13 वीर चक्र और 13 शौर्य चक्र मिले। अनेकानेक जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान भारत की सीमाओं के साथ छेड़खानी करने वालों का मुकाबला करते हुए दिया है और वो समग्र देश और बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस का कोई भी बल हो इसके लिए हमेशा प्रेरणा का केंद्र रहा है। मित्रों, आज मोदी जी की सरकार का जो मूल लक्ष्य है देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा अभेद बनाना, इसको कोई भेद न पाए ऐसी बनाना, आपका परिश्रम, त्याग, बलिदान, शौर्य ये सब तो है ही, मगर उसको आधुनिक तकनीक के साथ लैस करना पड़ता।